नमस्कार दोस्तों, गेट के रिजल्ट के बाद आप में से कई स्टूडेंट्स ने एमटेक एडमिशंस के लिए अप्लाई किया होगा और जिन्होंने नहीं किया है, जो अभी भी इस डायलेमा में है कि हमें एमटेक करना चाहिए या नहीं, वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं एमटेक के ऊपर कि आपके लिए ये कोर्स अप्रोप्रिएट रहेगा या नहीं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटेक एडमिशंस में होने वाले इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कि एमटेक एडमिशंस के लिए इंटरव्यूज में आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और आप इनके लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। दोस्तों, कई आईआईटीज में एमटेक के लिए सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन कुछ आईआईटीज में और कुछ ब्रांचेस में भी एमटेक एडमिशन के लिए गेट स्कोर के अलावा दूसरे प्रोसेसेस भी होते हैं, जिनमें से रिटन टेस्ट भी होता है और इंटरव्यूज भी होते हैं। रिटन टेस्ट कुछ ही आईआईटीज में है और कुछ ही ब्रांचेस के लिए होता है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे कि इंटरव्यू प्रोसेस होती है गेट स्कोर के अलावा एमटेक एडमिशन के लिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन इंटरव्यूज में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको इन इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिटन टेस्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने गेट के लिए जैसे प्रिपेयर किया था, आप रिटन टेस्ट के लिए उसी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। रिटन टेस्ट वैसे भी दोस्तों बहुत ही कम कॉलेजेस में होता है और जिन कॉलेजेस में रिटन टेस्ट होगा, आपको उसका पहले से ही सिलेबस दिया रहेगा, तो आप उस सिलेबस के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया था। जो नोट्स आपने गेट के लिए यूज किए थे, आप उन्हीं नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, आपसे उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर मैथ्स मेंशन्ड है सिलेबस में, जो कि होता ही है क्योंकि मैथ्स जो है वो हर स्पेशलाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एमटेक में, तो मैथ्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपके सिलेबस में, रिटन टेस्ट के सिलेबस में मैथ्स मेंशन्ड है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैथ्स से काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे पूछेंगे कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो आपको कुछ 3 से 4 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बताने हैं जिनमें आपका बहुत अच्छा कमांड हो। अब ये जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, ये कोई से भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हो। अगर रेलेवेंट होते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डिजाइन भरा है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स को भी अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बता सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को भी अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बता सकते हैं। लेकिन जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हो, उनमें आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। टेक्निकल क्वेश्चंस जो होंगे वो थ्योरी से और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, न्यूमेरिकल देके वो आपको सॉल्व करने के लिए बहुत रेयरली ही बोलते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चंस जो होंगे वो थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वो आपसे ये चेक करना चाहते हैं कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है। अब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप अपने कम ही बताइए, आप 3 से 4 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको जनरल नॉलेज कितना है, क्योंकि वो नॉलेज आपका ऑलरेडी गेट के रिटन टेस्ट में टेस्ट हो चुका है। यहां वो टेस्ट करेंगे कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मानते हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो उस सब्जेक्ट को आप कितना डीप में, कितने डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स आप कितनी अच्छी तरह पढ़ते हैं, कितना अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका। क्योंकि एमटेक दोस्तों एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होता है, एमटेक में आपको पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना होता है, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी करनी होती है, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करनी होती है, आपका जो सेकेंड ईयर है वो पूरा प्रोजेक्ट होता है। तो वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप कितनी अच्छी तरह उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप उसमें कितना अच्छा इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। तो इसीलिए आप कम सब्जेक्ट्स को ही चूज करें, जो भी सब्जेक्ट आप लेकिन प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप इतने डेप्थ में प्रिपेयर करें कि आपसे उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसको रिप्लाई कर सके। इसके लिए आप NPTEL के फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं, आप Unacademy के YouTube चैनल पे जाके फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है एमटेक इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने की, आप घर बैठे फ्री YouTube लेक्चर्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको आप काफी अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़िए। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर सवाल पूछा जाता है,
तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करने पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि हर एक पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट किन मटेरियल्स में देखा जाता है, किन मटेरियल्स में ये नहीं देखा जाता है, अगर किसी मटेरियल में यील्ड पॉइंट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो इन सब चीजों की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। आपको इस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं या आप 10 सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो भी आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अपने बता रहे हैं उन सब्जेक्ट की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि एमटेक में सेकेंड ईयर में सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो इसीलिए आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके बीटेक के प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर भी होंगे। आपको अपनी प्रोजेक्ट वर्क की फाइल भी लेके जानी है दोस्तों, अगर वो मेंशन करें या ना करें आपको अपने बीटेक प्रोजेक्ट की फाइल जरूर लेके जानी चाहिए इंटरव्यू में, क्योंकि कई बार वो आपसे आपकी फाइल मांग लेंगे और आपकी फाइल के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो दोस्तों आपका बीटेक का जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि आपने अपना बीटेक का प्रोजेक्ट जो है वो काफी सिंसियरली प्रिपेयर किया है, क्योंकि वो आपसे यही टेस्ट करना चाहेंगे कि आप रिसर्च वर्क कितना अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि एमटेक में सेकेंड ईयर में सिर्फ आपका रिसर्च का काम होता है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 50% सिलेबस जो है एमटेक का वो सिर्फ रिसर्च वर्क है, सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क है। तो इसीलिए आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट वर्क पे आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। आपकी फाइल में आपने जो कुछ भी लिखा है, जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इवन अगर आपने कोई रिजल्ट डाला है तो वो रिजल्ट भी आप अच्छी तरह जस्टिफाई कर सके और रिजल्ट भी आप अच्छी तरह डिस्कस कर सके। तो इसीलिए आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है बीटेक में, कैसा भी प्रोजेक्ट हो, वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए, वो आपको अच्छी तरह बनना चाहिए। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर अच्छी तरह जवाब नहीं दिए तो एक बहुत ही खराब इंप्रेशन जाएगा दोस्तों फैकल्टी पे कि आपने रिसर्च वर्क जो है वो सिंसियरली नहीं किया है, जो कि आपके एमटेक एडमिशन के लिए अच्छा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों प्रोजेक्ट वर्क के अलावा आपको आपके वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में जहां से भी वोकेशनल ट्रेनिंग की है उसका अगर आपने कोई रिपोर्ट प्रिपेयर किया है तो वो रिपोर्ट भी आप लेकर जाएं, और उस रिपोर्ट में जो जो चीजें आपने मेंशन की है, जो कुछ भी आपने वोकेशनल ट्रेनिंग में सीखा है उसके ऊपर भी आप जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर प्रिपेयर करके जाइए। क्योंकि दोस्तों वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क, अगर ये दोनों चीजें आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर की तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में और रिसर्च वर्क में काफी इंटरेस्ट है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट साबित होगा आपके एमटेक इंटरव्यू में। दोस्तों इसके अलावा आपसे आपकी स्पेशलाइजेशन की चॉइस के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपने इसी स्पेशलाइजेशन को क्यों चूज किया है। तो आप जो भी स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं वो डिजाइन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, थर्मल हो सकता है, कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हो सकती है, जिस भी स्पेशलाइजेशन को आपने चूज किया है उसको आपने क्यों चूज किया है, इस चॉइस को आपको डिफेंड करना है, इस चॉइस को आपको जस्टिफाई करना है। तो आप पहले ही पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाइए कि आपने ये स्पेशलाइजेशन क्यों चूज किया है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने अपने पेरेंट्स के या अपने फ्रेंड्स के सीनियर्स के सजेशन पे आपने ये स्पेशलाइजेशन चूज किया है। उनको ये लगना चाहिए कि आपने इस चॉइस के लिए भी काफी रिसर्च की है। तो आप जस्टिफिकेशन के लिए कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि इस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप थर्मल स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको इंटरेस्ट है। अगर आप डिजाइन फील्ड चूज कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफी इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि इस स्पेशलाइजेशन से जो जॉब प्रोफाइल आप बनाते हैं, जो जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकती है उसमें आपको काफी इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप डिजाइन स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं तो आप बता सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका काफी इंटरेस्ट है और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज जो हैं डिजाइन स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि इस स्पेशलाइजेशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, इसके ऊपर आपने रिसर्च की है, आपने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, इसीलिए आपने स्पेशलाइजेशन को चूज किया है। तो आप जो भी पॉइंट्स दें आपको अपने चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन को जस्टिफाई करना है।
दोस्तों इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि नॉर्मली इंटरव्यूज में होता है। जैसे आपको आपके बारे में सवाल पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप इन चीजों के ऊपर भी पहले से प्रिपेयर होके जाइए। और आप जो भी इंटरव्यू में बोलते हैं ये याद रखिए कि वो आपके एमटेक से, आपकी स्टडीज से कहीं ना कहीं रेलेवेंट होना चाहिए। और आप जो भी चीजें बोलते हैं, आप अपने बारे में जो भी चीजें बताते हैं, ये याद रखिएगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए जिनके ऊपर आप अच्छी तरह डिस्कशन कर सके। इसके अलावा दोस्तों आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, ये भी इंटरव्यूज में काफी नोटिस किया जाता है। आपका ड्रेस कोड क्या है, आपने क्या पहना है, किस तरीके से पहना है, इसके ऊपर भी काफी फोकस उनका रहता है। तो इसीलिए आपको अपना बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर, अपने पोस्चर पे भी थोड़ा वर्क करना है इंटरव्यू में जाने से पहले। अब ये तो थे दोस्तों कुछ जनरल पॉइंट्स जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपसे एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज, पैनल टू पैनल, फैकल्टी टू फैकल्टी, ये डिपेंड करता है कि वो क्या सवाल आपसे पूछते हैं। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले।